हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 2024। लेकिन इसके शुरू होने से पहले कई बड़े झटके लग चुके हैं पीएसएल के टीमों को। इसके अलावा बता दें कि इंडिया की तरफ से स्पेशली पीएसएल को बेहद ही बड़ा झटका लगा है, जिसे उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा पीएसएल 2024 में। जहां दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में आगे पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम हमेशा से लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें पीएसएल 2024 के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि पीएसएल 2024 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लेकर कई बुरी खबरें निकल के आ चुकी है। जहां दोस्तों, इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे बुरी खबर है इंडिया के तरफ से ही है। हम सभी जानते हैं जो क्रिकेट का फैंस सबसे ज़्यादा है इंडिया में ही है, लेकिन अब पीएसएल 2024 लाइव टेलीकास्ट नहीं होने वाला है किसी भी चैनल पर। जहां दोस्तों बता दें, पहले जहां पीएसएल का लाइव टेलीकास्ट सोनी की तरफ से किया जाता था इंडिया में, लेकिन इस बार वह अपना हाथ पीछे खींच चुकी है। इस वजह से इस वर्ष सिर्फ एक ऐप पर ही आने वाला है पीएसएल 2024, वह है फाइन कोड। इसके अलावा कोई भी टेलीकास्ट चैनल नहीं है इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया हो पीएसएल 2024 का। इससे मुश्किलें बढ़ गई है और जो उनका लाइव टेलीकास्ट चैनल से जो व्यूअरशिप आता था वह गिरने वाला है पीएसएल 2024 में, जो कि भारी नुकसान होने वाला है पीएसएल को भी। तो वहीं बात करें, एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है और वह खबर जुड़ा हुआ है विदेशी खिलाड़ियों का नाम वापस लेने का मुद्दा। जब दोस्तों बता दें कि पीएसएल 2024 में कई बड़े विदेशी खिलाड़ी अपने नाम वापस ले लिए हैं और कुछ खिलाड़ी बीच पीएसएल से ही चले जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है हसरंगा, जो कि कुछ मुकाबले कंफर्म रूप से नहीं खेलने वाले और बेहद ही ज्यादा चांसेस कि वह भी अपना नाम वापस ले ले पीएसएल 2024 से। इसके अलावा राशिद खान ने रिस्ट ऑफ लिए, इसके अलावा ब्रडूसन है जो कि आधा पीएसएल के बाद से वह वापस चले जाएंगे। या दोस्तों, इससे भारी नुकसान होगा और जो क्वालिटी होता है पीएसएल का वह गिर जाएगा, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो फिर वह क्वालिटी का टूर्नामेंट नहीं रह जाएगा जो हम जानते हैं पीएसएल को। इसके लेकर बेहद ज्यादा चिंता भी है सभी टीम में। और वहीं बात करें एक और बड़ी खबर का, तो हारिस राउप से भी बड़ी खबर निकल के आ रहा है। जहां दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हारिस राउप को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है। इसके बाद से यह अब अटकलें लगाया जा रहा है कि हारिस राउप इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। जहां दोस्तों, उनका बेहद ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है पीसीबी, क्योंकि अगर वह संन्यास नहीं लेंगे तो वह लगभग जून जुलाई तक कोई लीग मुकाबले नहीं खेल सकते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान होगा वित्तीय तौर पर देखें तो। इसके अलावा बता दें कि ऑलरेडी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से पीसीबी की तरफ से कुछ उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है। तो वहीं बात करें एक और बड़ी खबर का, तो दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी का लेकर जुड़ा हुआ है। जैसे दोस्तों बता दें, आज पीएसएल 2024 का ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। टाइमिंग का बात करें तो 6:30 पर से शुरू हो जाएगा शाम को ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें कई पाकिस्तानी सुपरस्टार कलाकार अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। जो सबसे बड़ा हस्ती रहने वाले अली जाफर रहने वाले हैं। या दोस्तों, वहीं बात करें, पहला मुकाबला जो आज खेला जाएगा पीएसएल 2024 का, वह मुकाबला होने वाला है लाहौर कलंदर बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। तो दोस्तों, यह कुछ बड़ी अपडेट जो कि निकल के आ रहा था पीएसएल 2024 को लेकर। आपका क्या राय है इन सभी बड़ी खबरों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।